इंटरपोल ने दिल्ली में संपन्न 4 दिवसीय महासभा में आतंकवाद को विश्व के सबसे बड़े अपराध के रूप में स्वीकार कर आगे की रणनीति पर काम करने का प्रस्ताव पास किया है। 18 अक्टूबर को शुरू हुई इस 90वीं महासभा में ग्लोबल क्राइम रिपोर्ट 2022 और इंटरपोल के विजन 2030 जारी किया गया। इसके साथ ही 4 दिन में 195 सदस्य देशों ने खासतौर पर मेटावर्स और साइबर थ्रेट लैंडस्केप में हो रहे बदलाव पर गहन चिंतन किया। अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण के डेटाबेस के इस्तेमाल बढ़ाने पर 2 अहम प्रस्तावों को भी हरी झंडी दिखाई। इस समारोह में अपराध के तरीकों में तेजी से आ रहे बदलाव से निपटने के लिए अगले 50 साल के रोड मैप की भी हरी झंडी दिखाई गई। अगले साल इंटरपोल की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इसकी मेजबानी वेना में होगी। इस बार को मेजबान भारत के प्रतिनिधिमंडल ने करीब 2 दर्जन देशों के साथ पुलिस सहयोग और सूचना साझेदारी पर द्विपक्षीय बैठकें की हैं।